हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सिसु। कहानी की शुरुआत 1944 में फिनलैंड से होती है, जहां पर हमको बताया जाता है कि दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है और सभी सैनिक अपने अपने देश वापस जा रहे हैं। इसीलिए नाजी सेना को भी फिनलैंड छोड़ने का आदेश दिया जाता है, मगर नाजीज फिनलैंड छोड़ने से पहले अपने रास्ते में आने वाली सभी सड़कों, पुलों और गांव को खत्म करने लगते हैं। तभी हम फिनलैंड के जंगलों में अतामी नाम के एक फिनिश कमांडर को देखते हैं, जो कि अपनी जॉब छोड़कर शांति की जिंदगी जीना चाहता है। इसीलिए वॉर खत्म होने के बाद अतामी अपने वफादार कुत्ते और घोड़े के साथ जंगल में रहने लगता है। एक दिन अतामी को नदी में सोने के टुकड़े मिलते हैं, जिससे उसको लगता है कि नदी के आसपास खजाने की कोई खदान है। इसीलिए वो उस खदान की खोज करने के लिए हर दिन उस नदी के पास जाने लगता है। उस नदी के आसपास गड्ढा खोदना शुरू करता है। इसी तरह कई दिनों तक गड्ढा खोदने के बाद उसको एक गड्ढे से बहुत सारा सोना मिल जाता है, जिसको देखकर वो खुशी से रोने लगता है, क्योंकि सोने से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अतामी उस सोने को अपने टेंट में छुपा देता है। अतामी पूरी रात सोने की हिफाजत करता है, क्योंकि उसको डर था कि उसके सोने को कोई चुरा ना ले। अगले दिन अतामी सारा सोना एक बैग में भरता है और घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है, जिसके साथ साथ उसका कुत्ता भी पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ घंटों चलने के बाद रास्ते में अतामी को नाजी सेना का जनरल ब्रूनो दिखाई देता है, जो कि अपने सैनिकों के साथ वहां से गुजर रहा था। यहां ब्रूनो के पास एक खतरनाक टैंक था, जिसके अलावा वो कई फिनिश औरतों को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा था। असल में वो सभी सैनिक उन औरतों के साथ गलत काम किया करते थे। तभी हम वुल्फ नाम के एक सोल्जर को देखते हैं, जो कि एक औरत के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ अतामी ब्रूनो को देखता है और फिर उसके सभी सैनिकों को अनदेखा करके आगे बढ़ने लगता है। तभी वुल्फ ब्रूनो के पास आता है और अतामी को मारने के लिए अपनी गन उठा लेता है, जिस पर ब्रूनो उसको रोक लेता है और कहता है कि आदमी वैसे भी अपनी मौत के पास जा रहा है, क्योंकि हमारी एक टुकड़ी पीछे आ रही है। जिसके बाद अतामी वहां से आगे बढ़ता है, जहां पर उसको कई लाशें मिलती है। असल में नाजी सैनिक आदमियों को मारते हुए आगे जा रहे थे, लेकिन अतामी को उन लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान इसने भी कई जाने ली थी। अब थोड़ी दूर जाने के बाद अतामी को एक ट्रक दिखाई देता है, जिसमें चार नाजी सैनिक थे, जो अतामी को इसके घोड़े से उतरने के लिए कहते हैं और फिर उसका बैग चेक करते हैं, जिसमें उन्हें अतामी का सोना दिख जाता है। इसीलिए उस सोने को अपने पास रखने का सोचते हैं, लेकिन अतामी समझ जाता है कि वो लोग अब उसका सोना लूटकर उसको मार डालेंगे। इसीलिए वो सबसे पहले अपने कुत्ते से भागने को कहता है, जिसे भागता हुआ देखकर एक सैनिक उसको शूट करने लगता है, पर कुत्ते को एक भी गोली नहीं लगती और वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद एक सैनिक अतामी को बूढ़ा बोल के उसको मारने की कोशिश करता है, जिस पर अतामी अपना चाकू निकालकर उसके सर पर मार देता है, जिससे उस सैनिक की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वो दूसरा सैनिक बदला लेने के लिए अतामी से लड़ने लगता है, लेकिन अतामी तेजी से आगे बढ़ता है और सभी को अपने चाकू से मार डालता है। साथ ही में वो एक सैनिक की बॉडी को ढाल बनाकर बचने लगता है। फिर वो एक सैनिक को हेलमेट से मार मार कर उसकी जान ले लेता है। अभी बचा हुआ सैनिक पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे अतामी उसका हाथ मोड़ देता है और उसको अपनी गन से शूट करके मार डालता है। उधर जब ब्रूनो और बाकी सैनिकों को गोली की आवाज आती है, तो वो चेक करने के लिए वापस पीछे आने लगते हैं। तब तक अतामी वहां से चला जाता है। अब वहां पहुंचने पर ब्रूनो देखता है कि उसके चार सैनिकों को किसी ने मार दिया है, और वो देखता है कि उसके एक सैनिक के पास सोने का टुकड़ा पड़ा है, जो कि सैनिक ने अपने पास छुपा लिया था। इसे देखकर ब्रूनो समझ जाता है कि उसके साथियों को यहाँ से जा रहे इस बूढ़े आदमी ने ही मारा है और उसके पास बहुत सारा सोना है। इसीलिए ब्रूनो अतामी के पीछे जाने का फैसला करता है। कुछ ही देर में उसको अतामी दिख जाता है। वो अपने टैंक से उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन अतामी अपने घोड़े की स्पीड बढ़ाता है और उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। जिसके बाद अतामी माइन फील्ड में चला जाता है, जहां पर नाजी सैनिकों ने माइन बिछा रखी थी। इसी दौरान ब्रूनो भी वहां पर पहुंच जाता है, पर वो अपने आदमियों से गोली चलाने को मना करता है। वो हंसता है और उनको बताता है कि वो बूढ़ा आदमी ब्लास्ट होने वाला है। तभी अतामी का घोड़ा एक माइन पर पैर रख देता है, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें अतामी तो घायल हो जाता है, लेकिन उसका घोड़ा मारा जाता है। तभी वहां पर ब्रूनो आता है और देखता है कि अतामी अपना सोना उठाकर बैग में रख रहा है, इसीलिए वो वहीं रुक जाता है, जो अतामी को देखता रहता है। असल में वो सोना उठाने के लिए माइन फील्ड के अंदर नहीं घुसना चाहता था, इसीलिए वो अतामी को मारने के लिए इंतजार करता है। फिर जैसे ही वो सारा सोना उठा लेता है, तब ब्रूनो अपने सैनिकों से उसे मारने का आदेश देता है।
लेकिन अतामी पहले से ही तैयार था, इसीलिए वो सोने के साथ एक पत्थर उठा लेता है और एक माइन पर पत्थर फेंक देता है जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी धूल फैल जाती है, जहां धुएं की मदद से अतामी वहां पर छिप जाता है, जिसको मारने के लिए नाजी सैनिक गोलियां चलाते हैं, लेकिन अतामी एक ढाल को इस्तेमाल करके बचता रहता है। जिसके कुछ देर बाद ब्रूनो अपने एक सैनिक को चेक करने के लिए भेजता है, जो गलती से एक माइन से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे देख ब्रूनो अपने दो और सैनिकों को वहां पर भेजता है और वो दोनों भी माइन पर पैर रखने की वजह से मारे जाते हैं। जब धुआं साफ हो जाता है तो उनको पता चलता है कि अतामी वहां से भाग चुका है। ये देखकर ब्रूनो काफी गुस्सा होता है, इसीलिए वो दो फिनिश औरतों को ढाल बनाकर वहां भेजने का फैसला करता है, जिस पर वुल्फ सबसे डरी हुई औरतों को लाता है और उन्हें टैंक के सामने चलने को कहता है। इस दौरान ब्रूनो जब उस जगह को चेक करता है तो उसे अतामी के कुत्ते का टैग मिलता है और वो वहां से गुजरने लगते हैं। ब्रूनो अतामी के बारे में जानने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करता है, जहां इसके हेड ऑफिसर उसे बताते हैं कि उस बूढ़े आदमी का नाम अतामी कॉर्पी है। हेड ऑफिसर उसको चेतावनी देते हुए साफ बोल देते हैं कि तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। साथ ही में वो कहते हैं कि तुम भाग्यशाली हो कि अतामी से मिलने के बाद भी जिंदा हो, क्योंकि अतामी वर्ल्ड वॉर का सबसे खतरनाक कमांडो था और कोई भी उसके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता था। ब्रूनो को पता चलता है कि वॉर के दौरान रशिया के सैनिकों ने अतामी के परिवार को मार डाला था, जिसके बाद अतामी एक खतरनाक आदमी बन गया और उसने अपने ऑफिसर्स के आदेश भी लेना बंद कर दिया। तभी से ही उसके ऑफिसर्स ने इसको कंट्रोल करना छोड़ दिया और उसको अकेले ही जंगलों में रशियन सैनिकों का शिकार करने के लिए भेज दिया। जब से आज तक वो 300 से ज्यादा रशियन सैनिकों को अकेले मार चुका है, जहां आखिर में उनका हेड ऑफिसर कहता है कि सबका कहना है कि अतामी अमर है, इसीलिए तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। पर ब्रूनो को इस बात से कोई डर नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अतामी को ढूंढने निकल जाता है। असल में नाजी सैनिकों को युद्ध हारने की वजह से सजा मिलने वाली थी और ब्रूनो इस सोने की मदद से अपनी सजा खत्म करवाना चाहता था, इसीलिए किसी भी हाल में उसको वो सोना चुराना था। इसी बीच हम अतामी को देखते हैं, जिसको रास्ते में एक टूटा हुआ ट्रक मिलता है और वो ट्रक के पीछे जाकर लेट जाता है और अपने सभी घाव को ठीक करने के लिए चाकू से गोलियां निकालता है, घाव को धूल से ढक देता है, जहां पर तभी अतामी का कुत्ता भी वहां पर आ जाता है, जिसको अतामी दूर भागने के लिए कहता है, इसीलिए वो उसके पास नहीं जाता बल्कि उसे दूर से ही देखता रहता है। यहाँ अतामी की हालत खराब होने की वजह से उसकी आंख लग जाती है। कुछ ही घंटों बाद वहाँ पर नाजी सैनिक आ जाते हैं, जिनकी आवाज सुनकर वो जाग जाता है। अतामी देखता है कि नाजी सैनिक उसको ढूंढने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत ट्रक के नीचे छुप जाता है। नाजी उसको ढूंढने लगते हैं, तभी वो मौका देखकर नाजी के ट्रक के नीचे जाता है और फ्यूल टैंक को काटकर अपने ऊपर फ्यूल गिरा लेता है, ताकि नाजी के कुत्तों को उसकी स्मेल ना आ सके। अब नाजी अतामी को ढूंढने का नया प्लान बनाने का सोचते हैं और वो रुक जाते हैं। अतामी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुत्ता उसको देख लेता है, जो उसको देखते ही भौंकने लगता है, जिससे सैनिकों को उसका पता चल जाता है और वो उसे गोलियों से मारने लगते हैं। एक गोली उसके पैर में लग जाती है, लेकिन फिर भी वो वहां से भाग जाता है। ये देखकर ब्रूनो अपने कुत्तों को उसके पीछे छोड़ देता है। अतामी उन कुत्तों को डराने के लिए अपने आप को जला लेता है और पास की झील में कूद जाता है। सभी सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जहां पर ब्रूनो अतामी का झील से बाहर निकलने का इंतजार करते हैं, पर अतामी काफी देर तक बाहर नहीं आता। लेकिन कब तक वो अंदर रह सकता था, इसीलिए जब वो बाहर आता है तो सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसको वापस पानी के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन तभी उन्हें पानी के अंदर से ब्लड निकलते हुए दिखाई देता है, जिससे सबको लगता है कि शायद अतामी मर गया है। इसीलिए तीन सैनिक सोना निकालने के लिए झील की बोट से झील के बीचों बीच जाते हैं और एक सैनिक झील में कूद जाता है, लेकिन अतामी उसको पकड़ लेता है और उसको मार डालता है, जिससे पानी के ऊपर काफी ब्लड आ जाता है। अब ये देखकर ब्रूनो अपने दो सैनिकों को झील के अंदर भेजता है, जहां फिर से उसको ब्लड दिखाई देता है। ये सब देखकर तीसरा सैनिक काफी डर जाता है, इसीलिए वो बोट लेकर दूसरी ओर जाने लगता है, जिसको देखकर वॉल्फ गुस्से में आकर उसको मार डालता है। तभी अतामी पानी से बाहर आ जाता है। गोलियों से बचने के लिए वो तीनों सैनिकों की बॉडी को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि इधर ब्रूनो देखता है कि अतामी का कुत्ता झील के किनारे रो रहा है, क्योंकि वो अपने मालिक के पास जाने के लिए पानी को पार नहीं कर सकता था। इसीलिए अब ब्रूनो अतामी के कुत्ते को देखकर अपना अगला प्लान बनाता है। इधर अतामी आखिरकार एक शहर में पहुंच जाता है, पर ये शहर नाजीज ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। अतामी बहुत थक गया था, इसीलिए वो गैस स्टेशन के अंदर आराम करने का फैसला करता है। वो अपने पैर के दर्द को इग्नोर कर सोने की कोशिश करता है, जहां पर उसको वो दिन याद आता है
जिस दौरान उसने अपना परिवार खो दिया था और यही सोचते हुए उसकी आंख लग जाती है। कुछ वक्त के बाद उसे अपने कुत्ते की आवाज आती है। वो बाहर चेक करने आता है, तभी वो देखता है कि उसके कुत्ते के ऊपर डायनामाइट लगा हुआ है। इसीलिए तुरंत वो डायनामाइट निकालकर फेंक देता है, जो दूर फेंकते ही फट जाता है, जिससे एक तेज झटके के साथ अतामी बहुत दूर जाके गिरता है। जब उसको होश आता है तो वो अपने सामने ब्रूनो को देखता है, जिसने उसको बंदी बना लिया था और उसका सोना भी चुरा लिया था। ब्रूनो उसके पॉकेट में एक सोने का टुकड़ा रख देता है और उसको फांसी देकर मार डालता है। पर अतामी अभी मरा नहीं था, क्योंकि उसने तो फांसी से बचने के लिए अपने एक पैर को कील पर रख लिया था। अब वो अपने दूसरे पैर को भी कील पर ले आता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। इधर अतामी का कुत्ता अभी भी उसके पास बैठकर उसके नीचे आने का इंतजार करने लगता है। इसी तरह सुबह हो जाती है और वहाँ पर एक प्लेन लैंड करता है। उसकी हवा की वजह से अतामी की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी प्लेन से दो पायलट नीचे उतर कर आते हैं और फ्यूल की तलाश करने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें अतामी और उसका कुत्ता दिखाई देता है, इसीलिए एक पायलट दूसरे पायलट से उनको मारने को कहता है, पर वो पायलट उसको मारने से डरता है। तभी मौका देखकर अतामी उस पायलट के पैरों में मारकर उसको नीचे गिरा देता है, जिससे उसका सर एक पत्थर से लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद दूसरा पायलट वहां आता है तो अतामी उसके सर पर पत्थर से वार करता है और उसको जान से मार देता है। यहाँ पर अतामी को लगता है कि अब वो अपना सोना कभी वापस नहीं ले पाएगा, इसीलिए वो ब्रूनो का दिया हुआ सोने का टुकड़ा वहीं पर दफन कर देता है। तभी वो दूसरे पायलट को हिलता हुआ देखता है, जो कि अभी जिंदा है। इसीलिए वो उस प्लेन से ब्रूनो के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन सबसे पहले वो अपने घाव में से गोलियां और मेटल के टुकड़े निकालता है और घाव पर आग लगाकर उन्हें एक तार से बंद कर देता है। सब देखकर वो पायलट काफी घबरा जाता है। फिर वो अपने कुत्ते को वहीं छोड़कर ब्रूनो की तलाश में निकल जाता है। जबकि दूसरी ओर नाजीज को अपने रास्ते में एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। वुल्फ चेक करने के लिए प्लेन के अंदर जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि उस पायलट के गले में वही रस्सी है जिसे उन्होंने अतामी को फांसी दी थी। वुल्फ समझ जाता है कि अतामी अभी जिंदा है और उनको मारने के लिए वापस आ गया है। साथ ही में अब ब्रूनो समझ चुका था कि अतामी कितना खतरनाक है, इसीलिए वो अपने आदमियों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। दूसरी ओर हम दो सैनिकों को देखते हैं जो फिनिश औरतों के साथ बैठे हैं और अतामी के बारे में बातें कर रहे थे, जिसको सुनकर एनो नाम की औरत हंसने लगती है, जो उन्हें बताती है कि अतामी को कई रशियन सैनिकों ने मारने की कोशिश की थी, पर कोई भी उसको आज तक नहीं मार पाया, क्योंकि अतामी किसी भी तरह से बच जाता है और अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालता है। साथ ही में वो ये भी बताती है कि अतामी को फिनिश लैंग्वेज में सिसु बुलाते हैं, जिसका मतलब बहादुरी होता है। यहाँ एनो समझ जाती है कि सभी नाजी सैनिक अतामी के हाथों मारे जाएंगे, इसलिए वो बहुत खुश होती है। तभी एक सैनिक को अतामी मारकर वहीं पर फेंक देता है। जब दूसरा सैनिक ट्रक से बाहर देखता है तो अतामी उसको भी बाहर खींचकर फेंक देता है, जिससे वो टैंक के नीचे आ जाता है। यहाँ एनो मरे हुए सैनिकों के हथियार चुराने की कोशिश करती है। उसी वक्त अतामी ट्रक के अंदर आ जाता है और फिनिश औरतों को देखता है। वो समझ जाता है कि नाजीस ने इनको किडनैप करके रखा हुआ है और वो सभी निर्दोष हैं। अब अतामी ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और ड्राइवर को मारकर बाहर फेंक देता है, ताकि एनो ट्रक चलाकर उसकी मदद कर सके। तब वो ट्रक को टैंक के करीब ले जाती है और अतामी सभी सैनिकों को मारने के लिए चला जाता है। टैंक में बैठे लोगों को शक हो जाता है, इसलिए सभी औरतें मरे हुए लोगों की बॉडी का इस्तेमाल करती है, ताकि नाजीस को सच्चाई का पता ना चल जाए। एनो अपने ट्रक को दूसरे ट्रक के पास ले जाती है, जिससे सभी औरतें उन सैनिकों को बुरी तरह मार डालती हैं। साथ ही एनो ट्रक के ड्राइवर को भी गोली मार देती है, जिससे ट्रक दूसरी ओर चला जाता है। इधर अतामी टैंक को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्रूनो टैंक को रोक देता है, जिससे अतामी नीचे गिर जाता है। ये देखकर वुल्फ अतामी को मारने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन अतामी जल्दी से वापस टैंक के ऊपर आ जाता है और वुल्फ से फाइट करने लगता है, जिस दौरान वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब टैंक के अंदर बस ब्रूनो और शर्ट्स नाम का सैनिक है, जो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। यहां अतामी वुल्फ को बुरी तरह मारने लगता है। इससे पहले कि अतामी वुल्फ को जान से मार पाता, वहां बाइक से दो नाजी सैनिक आ जाते हैं, पर वो दोनों सैनिक अतामी को पहचान जाते हैं, इसीलिए वो उससे डरकर वहां से भाग जाते हैं। अतामी वुल्फ को जिंदा छोड़ देता है और बाइक को लेकर टैंक का पीछा करने निकल जाता है, जिससे वुल्फ को लगता है कि अतामी ने उसको जिंदा छोड़ दिया है। कुछ ही देर में वहां पर फिनिश औरतें आ जाती हैं और वुल्फ से अपना बदला ले लेती हैं। इसी बीच ब्रूनो एक पायलट से मिलता है और भागने की कोशिश करता है, पर पायलट उसे बताता है कि उसके प्लेन में सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह है, जिसको सुनकर ब्रूनो अपने साथी शर्ट्स को शूट करके मार डालता है। ब्रूनो प्लेन में बैठकर वहां से भागने लगता है, पर वहां पर अतामी आ जाता है और प्लेन पर गोलियां चलाने लगता है। प्लेन टेक ऑफ होने लगता है, इसीलिए अतामी जल्दी से प्लेन के नीचे आ जाता है
और एक एक्स की मदद से प्लेन को पकड़ लेता है। ब्रूनो को लगता है कि उन्होंने अतामी को पीछे छोड़ दिया है। इधर अतामी प्लेन के पहिए को पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी की मदद से प्लेन के अंदर आ जाता है। उधर प्लेन के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिनको सुनने के बाद पायलट ब्रूनो को बताता है कि ये प्लेन काफी पुराना है, इसीलिए उसमें आवाज आती है। पर ब्रूनो को शक होता है, इसीलिए वो चेक करने के लिए प्लेन के बीच के हिस्से में जाता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, अतामी उस पर कूद जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। अब क्योंकि अतामी काफी ज्यादा घायल था, इस वजह से ब्रूनो उस पर हावी होने लगता है। लेकिन फिर भी अतामी हार नहीं मानता। ब्रूनो अतामी के ऊपर एक मेटल बेल्ट से वार करता है, लेकिन अतामी उस बेल्ट को पकड़ लेता है और उसे एक बॉम्ब से जोड़ देता है, जिसके बाद वो बॉम्ब प्लेन से नीचे गिर जाता है, जिसके साथ ब्रूनो भी नीचे गिरता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ब्रूनो मारा जाता है। अब अतामी रेस्ट करना चाहता था, पर वो प्लेन हिलते हुए नीचे की ओर जाने लगता है। यहाँ पर अतामी को पता चलता है कि ब्रूनो से लड़ने के दौरान पायलट को भी गोली लग गई थी, जिस वजह से उसकी भी मौत हो गई और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो अपने सोने को पकड़ लेता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो प्लेन एक दलदल में जाके क्रैश हो जाता है। इसी बीच फिनिश के लोग नाजीस टैंक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर थोड़ी ही देर में उन्हें पता चलता है कि उसमें फिनिश औरतें हैं। फिनिश औरतें वुल्फ को तोप से बांधकर ला रही होती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अतामी दलदल की वजह से बच चुका है। वो अपने एक्स की मदद से दलदल से बाहर निकलता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने कुत्ते के साथ एक बैंक में जाता है, जहां अतामी को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। पर अतामी सीधे काउंटर पर जाता है और अपने सोने के टुकड़ों को डेस्क पर रखकर पैसे देने को बोलता है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि सिसु की कहानी आपको पसंद आई होगी। वेल, इस फिल्म में एक सिंपल चीज सीखने को मिली है कि उड़ता हुआ तीर कभी भी नहीं लेना चाहिए। ब्रूनो ने अतामी को छेड़कर उड़ता हुआ तीर लिया, जिसकी वजह से ब्रूनो क्या उसके सारे सैनिकों का ही सफाया हो गया। बाकी अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट था $6 मिलियन का, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 14.3 मिलियन की कमाई की थी। आई होप आपको ये कमाई जस्टिफाइड लगी होगी, क्योंकि फिलहाल तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह, तब तक के लिए धन्यवाद।